मैं महंत दसनाम अखाड़ा चंबा हिमाचल प्रदेश। सत्य सनातन धर्म की जय हो, बाबा मणि महेश की जय हो। ये छड़ी चलेगी 16 तारीख को, उसी के विषय में हम एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, प्रेस वालों को खबर कर रहे हैं। 16 तारीख को छड़ी का श्री पंच दसनाम जुना अखाड़े से प्रस्थान होगा। 1 बजे भंडारा और उसके नारायण मंदिर में थोड़ी देर के लिए रुकेगी, वहाँ पूजा अर्चना होगा। फिर वहाँ से जुलूस चलते हुए राधा कृष्ण मंदिर में रात को जुलागढ़ी में छड़ी का स्टे होगा और उसके दूसरे दिन दोपहर का भोजन महिला में होगा और रात का भोजन राख में होगा और उसके तीसरे दिन दुर्गट्ठी में छड़ी स्टे करेगी, फिर एक रात भरमौर में रुकेगी, फिर हरसर में और उसके बाद में धनसौ में। 23 तारीख को स्नान होगा और 22 तारीख शाम को डल झील पर छड़ी पहुंच जाएगी और 23 तारीख को सवेरे स्नान होने के तब पहले डल झील टूटेगा, चलिए लोग टूटे तोड़ेंगे जब छड़ी वहाँ पहुंच जाएगी तो परवी स्टार्ट मानी जाएगी, परवी शुरू हो जाएगी और स्नान करने के पश्चात सब बाबा लोग 23 तारीख को वापस आ जाएंगे, रात भरमौर में स्टे होगा और इसी प्रकार से फिर यहाँ अखाड़े में आएगी, एक रात दो रात अखाड़े में रुकेगी, कड़ी पकौड़ा होगी, बाबाओं की विदागी होगी और मेले का समापन हो जाएगा। दसनाम अखाड़े की छड़ी का तो सदियों से जैसे आप लोगों को पता ही है कि इतिहास है, जैसे कि अमरनाथ में वर्षों से चलती है, तो इसी प्रकार से सदियों से दसनाम की रियासत काल से ये सनातन धर्म का प्रतीक चिन्ह छड़ी दंड माना जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी परंपरा, हालांकि पहले से भी थी, बीच में कुछ परंपरा खराब हो गई थी, शंकराचार्य ने दोबारा से इस छड़ी का धर्म के प्रतीक का रूप है, दंड शिव शक्ति इसको माना जाता है, शिव और शक्ति का स्वरूप, तो यही इसका इतिहास है।